सो हेलो गाइस यार, वेलकम बैक टू अवर गेमिंग चैनल मेरे भाई एंड यार गाइस। इस वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं अपने कोबरा एसेंशंस बंडल के बारे में। तो यार गाइस यहां पे आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि आप लोग ये जो अपना कोबरा का बंडल है, आप इसे आसानी से और कम डायमंड इन्वेस्ट करके कैसे अनलॉक कर सकते हो। एंड यार गाइस यहाँ पे अगर आप लोग इस बंडल को अनलॉक करने की सोच रहे हो तो मेरे भाई आप लोगों के लिए ये वीडियो जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो गाइस वीडियो को एंड तक वॉच करना। यार गाइस कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे भाई ये जरूर बताना कि आप लोगों ने इस बंडल को अनलॉक करने के लिए अपने कितने डायमंड्स तक जो है इस बंडल पे लगाए हैं, ताकि बाकी बंदे जो इस बंडल को अनलॉक करने की सोच रहे हैं उन बंदों को जो है आइडिया पड़ जाए। तो जरूर कमेंट करना मेरे भाई आप लोगों ने कितने डायमंड्स तक जो है इस बंडल पे लगाए हैं। सो ठीक है गाइस वीडियो को एंड तक वॉच करना। बाकी यार इस वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले मेरे भाई अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग सारे लोग मिलकर इस वीडियो को लाइक कर दो। सेकंडली मेरे भाई अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सिंपली यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी नोटिफिकेशन ऑल पे प्रेस कर लो। बाकी यार तो चलिए यार आज की वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं मेरे भाई बिना किसी इंट्रो के। तो यार यहां पे हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोबरा के बंडल के बारे में बात कर लेते हैं, देन बात करेंगे ये जो है हम इसे कैसे जल्दी और कम डायमंड में अनलॉक कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम जाते हैं और देखते हैं कोबरा बंडल को। तो गाइस यहाँ पे जो कोबरा का बंडल है इसके अंदर आप लोगों को गाइस काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छे खासे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस आप लोगों को यहाँ पे जो है गाइस चार इमोट जो है देखने को मिलने वाले हैं अपने कोबरा बंडल के साथ। तो यार गाइस यहाँ पे आप देखो कौन कौन सा इमोट आपको मिलने वाला है। तो गाइस यहाँ पे ये इमोट देख सकते हो आप लोग गाइस, काफ़ी ज़्यादा अच्छा सा इमोट है, डांस कर रहा है ये बंदा और सही काफ़ी तगड़ा सा जो है इमोट लग रहा है पर्सनली मुझे तो। एंड यार गाइस सेकंड ये वाला इमोट भी गाइस आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा इस बंडल के साथ, देख लो अच्छी तरह से गाइस। इसके अलावा गाइस यहाँ पे दो इमोट और हैं जो कि आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो ये वाला इमोट भी देख लो गाइस आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है। यानी यार गाइस इससे मिलता जुलता इमोट जो है गाइस टॉप अप इवेंट के अंदर आया था, लेकिन गाइस ये वाला इमोट मुझे ज़्यादा अच्छा लगा उस टॉप अप इवेंट वाले से। तो आप लोगों को गाइस ये बाइक वाला इमोट कैसा लगा है गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड यार गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो पैराशूटिंग एनिमेशन, ये वाला इमोट भी गाइस आप लोगों को बिल्कुल फ्री में मिल जाने वाला है गाइस अपने कोबरा बंडल के साथ। तो गाइस बेसिकली ये चार इमोट जो कि मैंने आप लोगों को दिखाई यार गाइस, ये चारों के चारों इमोट गाइस आप लोगों को बिल्कुल फ्री में जो है मिल जाने वाले अपने कोबरा बंडल के साथ। इसके अलावा गाइस यहाँ पे आप लोग इस बंडल को कलर कर सकते हो, मैं कलर करके भी दिखाता हूँ आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर। तो बेसिकली गाइस आप इसके एक एक पार्ट को कलर कर सकते हो। आप लोगों को शायद ये बात मालूम नहीं होगी, आपने सोचा होगा सिर्फ ये बंडल जो है पूरा कलर चेंज करता है, बट यार गाइस यहाँ पे आप देखो इसके जो बाल है मैंने येलो कर रखे हैं। शर्ट की बात करें तो शर्ट को हम चेंज कर सकते हैं, शर्ट को भी चेंज कर सकते हैं गाइस। पूरा जो इसका बॉडी एनिमेशन है हम उसको ऑलमोस्ट चेंज कर सकते हैं और अलग अलग कॉम्बो जो है बैठा सकते हैं इस बंडल के साथ। लेकिन गाइस यहाँ पे पर्सनली मैं तो जो है एक साथ पूरा ही बंडल जो है पसंद करूँगा पहनना, ना कि मतलब अलग अलग पार्ट। आप लोग गाइस यहाँ पे अगर इस बंडल को अनलॉक करोगे तो आप जो है एक बंडल का पूरा कलर के साथ जो है उसको पहनोगे, या फिर उसका जो है अलग अलग करके जो है अलग अलग पार्ट के ऊपर अलग कलर यूज़ करके पहनोगे गाइस कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। सो गाइस यहाँ पे तो बात हुई कलर वगैरह के बारे में, तो गाइस ये तो छोटी मोटी बातें थी जो कि मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो होप्सो आप समझ गए होंगे कि ये दो तीन छोटी मोटी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को गाइस कोबरा बंडल के साथ देखने को मिलती है। तो गाइस यहाँ पे इसके अलावा गाइस आप लोगों को एक फिस्ट की स्किन देखने को मिल जाएगी अगर आप लोग इस कोबरा के बंडल को अनलॉक करने की सोच रहे हो। तो गाइस जब बात करें फिस्ट की स्किन की, तो गाइस फिस्ट की स्किन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। एंड यार गाइस जो एनिमेशन ऐड किया गया इसके हाथों के पास वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है कूल सा लग रहा है मुझे तो। एंड यार गाइस ये जो इवेंट है वो बहुत ज़्यादा मिलता जुलता लगभग डिट्टो सेम इवेंट है, अपनी M1887 का एक इवेंट आया था गाइस आप लोगों को याद होगा, उसके अंदर हम लोगों को गाइस M1887 की गन स्किन जो है देखने को मिल रही थी सेम कोबरा बंडल की जगह। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों को कोबरा बंडल देखने को मिल रहा है। तो गाइस आप बात कर लेते हैं आप लोग इस बंडल को जो कैसे अनलॉक कर सकते हो जल्दी और मतलब कम डायमंड में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस अगर आप लोग इस बंडल को अनलॉक करने की सोच रहे हो तो गाइस आपका जो लक है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपका लक बहुत ज़्यादा वाहियात है बिल्कुल मेरी तरह तो तुम लोग यार मत सोचना इस बंडल को अनलॉक करने की, बिकॉज सबसे ज़्यादा तो देखो यार सीरियसली मैं कुछ भी ट्रिक बताऊँ कुछ भी बताऊँ आप लोगों को, लेकिन जब तुम्हारी किस्मत ही ख़राब है तो मैं कुछ भी बताऊँ उससे घंटा फ़र्क पड़ेगा। तो एक बार अपने लक के बारे में भी सोच लेना अगर इस बंडल को अनलॉक करने जा रहे हो तो। इसके अलावा गाइस यहाँ पे हम बात करें अगर आप लोगों को इस बंडल को कम पैसे कम डायमंड में जो है अनलॉक करना है, तो मेरे भाई यहाँ पे आप लोग अगर एक एयर ड्रॉप परचेस कर लेते हो वहाँ से 300 डायमंड परचेस करते हो, इसके अलावा गाइस यहाँ पे मेंबरशिप लेते हो, तो गाइस आप लोगों का जो ये बंडल है वो सस्ते में पड़ेगा कंपेयर टू अगर आप लोग टॉप अप मारते हो तो।
तो गाइस यहाँ पर ट्राई करना मेंबरशिप और एयर ड्रॉप आपकी आईडी के अंदर आ जाए उसके थ्रू इस बंडल को अनलॉक करना। बाकी मैं फिर से बोल रहा हूँ गाइस यहाँ पर पूरा किस्मत का खेल है। अगर तुम स्पिन मारते हो और तुम्हारा ये जो टोकन है एग वाला टोकन कोबरा एग टोकन ये नहीं मिलता है और यहाँ तुम्हें मिलते हैं फ्रैगमेंट और ये भी कुछ बकवास आइटम है तो तुम समझ लेना तुम्हारी किस्मत झंड है और फिर भी घमंड है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी वाह वाह वाह। तो देखो यार यही बात थी, अगर तुम्हारी किस्मत ही खराब है तो तुम क्या ही कर लोगे यार, मेरी कोई भी ट्रिक कुछ भी बताऊं मैं कुछ काम नहीं आएगा यार। तो यही है, अगर तुम्हारी किस्मत पर तुम्हें भरोसा है तो बिल्कुल जाओ इस बंडल के लिए। बाकी स्पिन वगैरह इतना भी महंगा नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इतना कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा तुम लोगों को इस बंडल को अनलॉक करने के लिए। अगर तुम में से कोई बंडल अनलॉक कर चुका है तो गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुमने कितने डायमंड जो है इन्वेस्ट किए हैं इस बंडल को अनलॉक करने में, ताकि दूसरे बंदे जो इस वीडियो को देखने आ रहे हैं उनको आइडिया पड़ जाए। ठीक है गाइस, तो कमेंट करके ज़रूर जाना। बाकी डेट सेट आज की इस वीडियो के लिए, अगर तुम चाहते हो मैं डायमंड इन्वेस्ट करूँ इस बंडल के ऊपर तब वीडियो बनाऊँ तो तुम कमेंट कर देना, होप सो मैं ये भी कर लूँगा तुम्हारे लिए। तो डेट सेट गाइस आज की वीडियो के लिए, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। स्टे ट्यून्ड स्टे सपोर्टिंग। टाटा गाइस।